आज नवी मुंबई एयरपोर्ट काम बंद आंदोलन में उस वक्त प्रकल्पग्रस्तों का जुनून उफान पर चला गया जब प्रकल्पग्रस्त नेता दशरथ भगत ने मंच पर अपना हाथ चीरकर लहू बहाना शुरू कर दिया। दशरथ भगत ने कहा कि अगर सरकार एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल का नाम देने के लिए लहू चाहती है तो हजारों प्रकल्पग्रस्त इसके लिए तैयार है। वही संघर्ष समिति के मार्गदर्शक रामशेठ ठाकुर ने कहा कि फिलहाल सिडको ने एयरपोर्ट निर्माण कार्य बंद कर दिया है जो प्रकल्पग्रस्तों की सफलता का संकेत है। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नेता दशरथ भगत ने आज नवी मुंबई एयरपोर्ट काम बंद आंदोलन के दौरान अपना लहू देकर रक्त रंजित क्रांति की हुंकार भरी। मंच से प्रकल्पग्रस्तों को संबोधित करते हुए दशरथ भगत ने कहा कि अगर सरकार एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल का नाम देने के लिए प्रकल्पग्रस्तों का लहू चाहती है तो वह लहू सबसे पहले वे खुद देंगे। इतना कहकर उन्होंने पेन से अपने हाथों को चीर दिया जिससे लहू बहने लगा। दशरथ भगत ने यलगार करते हुए कहा कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हजारों युवा प्रकल्पग्रस्त ऐसे ही अपने मसीहा दीवा के लिए लहू बहाएंगे और न्याय लेकर रहेंगे। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सरकार मांगे खून, पहला मैं दूंगा है? सरकार मांगे खून, मैं दूंगा पहला जो आम्ही देतो हा जो रक्त आहे कारण आम्ही एयरपोर्ट का बंद करावं, आम्ही काम बंद का करावं, का काम बंद करावं, सरकारने काम बंद करावं ना, आम्ही रक्त देऊ। तुम्हाला काय हवं आहे, तुम्हाला काय हवं आहे? रक्त हवं आहे ना तुम्हाला, तरुणांचं रक्त हवं आहे ना। मुद्दा असा आहे की आम्ही काम बंद करायचं, आम्ही काम बंद करायचं आणि नंतर नक्षलिस्ट म्हणून आम्हाला जाहीर करायचं, हे बदमाश म्हणून जाहीर करायचं, हे असे जाहीर म्हणून जाहीर करायचे, मग ही जी लढाई रक्त रंजित कडे जाणार आहे। दिवा पाटील साहेबांचं नाव ही आमची परंपरा आहे, हे आमचा एक संस्कृती आहे, हे आमचा व्यापार आहे, ही आमची ओळख आहे। सरकारला जर शरम वाटत असेल, ही दंड वापरायचा असेल, हे दंड शासन आहे, ये जनशासन नाही। कशाला पोलिसांना त्रास देता, कशासाठी? काय गरज आहे, काय समस्या आहे? त्या समस्या सुटल्या पाहिजे। पण सरकारला का हवं आहे खून आणि त्याची तयारी करा। काम बंद आंदोलन को लेकर नवीबे पुलिस ने यहाँ संघर्ष समिति को पहले ही आंदोलन नहीं करने का आह्वान किया था, फिर भी सैकड़ों प्रकल्पग्रस्तों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। समिति के मार्गदर्शक रामशेठ ठाकुर ने बताया कि आंदोलन के चलते सिडको को एयरपोर्ट निर्माण का कार्य बंद करना पड़ा जो प्रकल्पग्रस्तों की ताकत का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि जब तक दीपा का नाम नहीं मिल जाता तब तक ऐसा ही आंदोलन चलता रहेगा। ये जो आंदोलन था ये एक दिन का लाक्षणिक आंदोलन था बंद का। ये जब तक विमानतल को दीपा पटेल का नाम नहीं मिलेगा और ये 27 गांव का और 95 गांव की मांगे जब पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। इसका एक एक ढांचा जो है, एक एक स्टेज जो है, वो ऐसे ऐसे किया जाएंगे और उससे गवर्नमेंट को हमारी डिमांड मान्य करना ही पड़ेगी। तो इन्होंने खुद जाके देखा है, हमारे कम से कम 25 लोग जाके 30 लोग जाके उन्होंने सभी देख के आए हैं और इसके लिए हम आँखों देखा हाल जो है वो तो झूठ नहीं हो सकता। इसके लिए काम बंद रहा, पुलिस ने सिडको ने थोड़ा सबूर रखा करके ठीक है, अदरवाइज हमारा भी कितना बड़ा जो ये रहता है दंड का वो उनको दिखाई देता। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी पर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।